हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत कुमार गुप्ता और अभी फिलहाल में गेट का रिजल्ट आउट हुआ है और हमारे बीच में गेट स्कॉलर है जो आपको कुछ मोटिवेशनल उनसे कुछ मोटिवेशनल टॉक करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि गेट स्ट्रैटेजी क्या रही, क्या क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है गेट के लिए, और काफ़ी सारे बातें करते हैं उनसे और पता करते हैं कि उनका क्या रहा है, क्या मदद किया गेट में काम करें। तो हेलो आकाश, आपने गेट 114 रैंक लाया है, इंडिया 114 बहुत अच्छा रैंक होता है गेट में और डेफिनेटली एक को IIT मिलने का पॉसिबिलिटी है। तो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको ये बताइए कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही गेट को निकालने में। सबसे पहले तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी, सो मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज मटेरियल मिला था वहाँ से। तो बिकॉज लाइक कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ स्टडी रहती है, बहुत वाइड सब्जेक्ट्स है, तो उसमें हम लोग को जनरली पता नहीं चलता कि एक्चुअली पढ़ना क्या है। तो सबसे बड़ी बात मेरी ये कि मैंने कोचिंग ज्वाइन की तो मेरे को प्रिसाइज मटेरियल मिला हुआ था, तो और सर ने बहुत अच्छा गाइड किया था। उसके बाद मेनली जो प्रिपरेशन रहती है वो क्वेश्चन सॉल्विंग में रहती है, मतलब आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो एक मेनली सीटिंग बुक आती है प्रीवियस ईयर 24 ईयर्स की, सॉल्व बुक रहती है, मैंने उसको सॉल्व किया। और एक और बुक थी जो मेरे सर ने प्रेफर की थी, वो थी पीजे वीडियो को भी मैंने पूरा सॉल्व किया। तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब कंसेप्चुअल बिल्डिंग हो जाता है टोटल, आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको करना चाहिए, कैसे दिमाग लगा। आप जो है वो IIGate भिलाई के स्टूडेंट हैं, सो उन्होंने यहीं से प्रिपेयर किया। हमारे जो जो IIGate रन करते हैं सिद्धार्थ सर, वो वही पूरे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, सो मैं आकाश से अब ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो गेट्स के लिए गेट स्टार्ट करने से पहले प्री रिंग हिस्ट्री क्या है, मतलब प्री में उनको क्या क्या उनको आना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं कि मतलब अगर उनको प्री रिक्वायरमेंट की जरूरत है, वो कोई भी बच्चा बेस से स्टार्ट कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं रहता कि आपकी ग्रेजुएशन से पहले आपने कहाँ से एजुकेशन लिया, सेकेंडरी एजुकेशन मेन जो है आपका, ये डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हो अपने गोल के, तो उसी हिसाब से स्टडीज चालू होती है। आप ग्रुप बनाते हो, प्रिसाइज मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप एक वीक स्टूडेंट हो, अगर आप कहते हैं बुक्स और बुक्स पढ़ सकते हो गवर्नमेंट और कोई भी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप थोड़े वीक स्टूडेंट हो तो ऊपर था। सो कंप्यूटर साइंस में जैसे मेरे ख्याल से 12-13 टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल में अगर हम लोग बोले तो मोर देन 10 सब्जेक्ट्स का है टेक्निकल के। सो उसमें क्या टफ सब्जेक्ट्स है और क्या इजी सब्जेक्ट आपको लगा, आपकी सबसे क्या लगा कि आपको क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? एज पर कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर हो सकता था, बट मैंने उसके लिए एक्चुअली कोई बुक ही नहीं पढ़ी। जितना भी सर ने बताया था और जितने भी क्वेश्चन का सॉल्व कर सकता था मेनली मैंने वही प्रैक्टिस की। मेनली उसमें न्यूमेरिकल जितना आप सॉल्व करेंगे बेटर। हाँ, उसमें एक तो टोटली मतलब कुछ भी थ्योरेटिकल पढ़ना मेरे साथ जरूरत नहीं, जितने न्यूमेरिकल कंप्यूटर साइंस में। और कौन कौन सी विधि सब्जेक्ट से जो पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, स्कोरिंग कंपाइलर डिजाइन, एक्चुअली आई एम वेरी गुड एट एल्गोरिथम, मेरा फेवरेट पार्ट रहा है, तो इसलिए मैं पहले CDS सेटअप किया सबसे पहले। और अगर इजी सब्जेक्ट्स में देखा जाए स्टार्टिंग के लिए, तो कंपाइलर डिजाइन बहुत इजी है और डिजिटल हो गया वो भी बहुत इजी रहता है, शॉर्ट मतलब कोर्स बहुत शॉर्ट रहता है, उसमें उतने भी टफ कोर्सेज में जाते हैं। और अभी जैसे जो पैटर्न है वो ऑनलाइन हो गया है, तो आपको कुछ डिफरेंस लगता है कि ऑफलाइन ऑनलाइन हो गया, और डिफरेंस आपको कुछ ना कुछ होता है कि दोनों बस तैयारी के ऊपर रहता है? मेनली तैयारी के ऊपर है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जैसे कि अभी जैसे ऑनलाइन है तो आप मेनली ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें और प्रैक्टिस उसी हिसाब से करें कि आपको एक वो एटमोसफेयर मिले, GUI में कैसे करते हैं, वर्चुअल कैलकुलेटर कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें आनी चाहिए। तो आपको आपके कोचिंग जहाँ पढ़ रहे थे कोचिंग IIGate पे, वहाँ पर क्या क्या हेल्प मिला और आपके सर ने आपको कितना हेल्प किया, कितना हेल्प किया? मेरा तो मेनली जो मैं उन्हीं के लिए बोलूँगा कि हाँ मैं जो कर पाया वो तो उन्हीं की वजह से था। मैं एक्चुअली सेकेंड ईयर में आई वॉज मोटिवेटेड बाय माई फादर कि मेरे को IIT जाना है और उसके लिए मैं कोई गेट में निकाल सकता हूँ। सो मैं सर के पास गया, उनसे बात की कि सर मैं निकालना चाहता हूँ ऐसे ऐसे करना। सो मैं बहुत भटका रहा था एक्चुअली, मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, मैं इधर उधर पढ़ रहा था, लेकिन डेप्थ सब गलत था मेरा। तो सर ने बहुत अच्छा गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हो तो प्रॉपर गाइडेंस पढ़ो, तो सर का जो एकदम
पूरा सिखाया था कि कंट्रोल की कितने कौन कौन सब्जेक्ट को कितना हेल्प करना चाहिए, कितना फिट होना चाहिए, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कर सकता हूँ। तो सबसे पहली बात तो वही थी, बाकी मैं सर के पास जा अलग से मिलता रहता था, जितने भी मेरे को डाउट्स आते थे उनसे डिस्कस करना होता, तो वो सब चीज़ें मेरे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी, क्योंकि उसमें जो एक माइंड खुलता है तो बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए कि आपका एक टीचर से, आपका अपने टीचर से इंटरेक्शन। उन स्टूडेंट्स के बारे में बताइए जो गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, जो उनका बैकग्राउंड उतना मतलब उतने फाइनेंशियली उतने वो नहीं है और वो गेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो वो क्या स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब वो क्या अच्छा कर सकते हैं गेट से, आपको क्या बिल्कुल कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो उनके लिए ज़्यादा ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जहाँ अगर किसी स्टूडेंट का प्रीवियस एजुकेशन अगर थोड़ा लो लेवल पर है, मतलब लो लेवल मतलब वो नौकरी अगर वो बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा नहीं रहा अपने रिजल्ट में, उसको कॉलेज अच्छा नहीं मिला गया, तो ये बेस्ट ऑप्शन मतलब आप एकदम स्केल ही बदल देते, जहाँ आपको अभी 3-4 लैक्स और एट मैक्स 5 लैक्स की आपको जहाँ सैलरी मिलती है वहाँ पे एकदम से गेट निकालने के बाद आपको PSUs मिल जाएंगे, आप हवाइड रिसर्च सेंटर और इधर उधर आप अप्लाई कर सकते हो, उनका सबका पैकेज 10 लाख से ऊपर ही जाता है, 10 लाख का रहना, और अगर आप 2 साल एमटेक करते हो एमटेक बेस्ट है, IITs अपना का शौक तो हर स्टूडेंट का रहता है मेरे हिसाब से, तो उसके बाद इतना कोई लाइफ चेंज होती है लाइफ का जो हर कोई चाहता लगता डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप मतलब मैं तो ये प्रीफर करूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली स्टूडेंट नहीं है और आप बहुत ज़्यादा हैबिचुअल नहीं है बुक सीटिंग, तो आप एक प्रिसाइज मतलब एक गेट कोचिंग हुई थी आपको ज्वाइन करनी चाहिए जहाँ से आपको प्रिसाइज मटेरियल मिलता है और आपको टोटली अपने टीचर से इंटरेक्शन करना चाहिए अच्छे से और वही चीज़ें एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए इसी तरह। अच्छा, आपने गेट का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया? 4 सेमेस्टर से। मैंने एक्चुअली 4 सेमेस्टर से चालू कर दिया था। 3 months काफ़ी है, बट उसके कुछ कंडीशन है, मतलब आपको पहले तो एक तो प्रोग्रामिंग में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रोग्रामिंग में सबसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आपको एल्गोरिथम करना आना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट मतलब लॉजिकल प्लस कंसेप्ट, आप कैसे उसको अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग हो यू नो द सिंटैक्स बट आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया तो मेन जो लॉजिक आता है वो ये आता है कि आपको किस तरह से अपना लॉजिक उसमें बिठाना है, जैसे द सिंटैक्स विल अप्लाई तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जाने से पहले उससे ये पूछ लेते हैं कि जो अगर हमारे आने वाले जूनियर्स हैं जो स्टार्ट करने वाले गेट प्रिपरेशन, उनके लिए कुछ मोटिवेशन अगर वो बता सके ताकि वो मोटिवेट हो सके गेट प्रिपरेशन के लिए, तो सुन लेते हैं। मैं मेनली यही कहूँगा कि अपने टीचर का भरोसा रखें, कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं सफिशियंट रहता है, आपको नोट्स पढ़ने हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हो बहुत बट देर आर सब्जेक्ट जिसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत है, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया एल्गोरिथम्स के लिए या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए आपको ग्यूरोस हो, तो कुछ बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत है उस सब्जेक्ट्स के लिए, बट फॉर द बेस्ट पार्ट योर कोचिंग विल कवर, एंड मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, अपने टीचर पर भरोसा रखें, अगर भिलाई में मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था उसका जो मटेरियल था बहुत ज़्यादा प्रिसाइज था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली मतलब, क्योंकि मैं ये देखो बंदा भटकता रहता है, ये स्ट्रीम ही ऐसी है कि आपको क्या पढ़ना है कितनी टाइम पढ़ना आपको समझ नहीं आया, तो अगर आप भिलाई से हैं छत्तीसगढ़ में तो मेरे हिसाब से IIT भिलाई से ज़्यादा अच्छा कोई इंस्टीट्यूट नहीं, लेकिन अगर आप बाहर से हैं तो बाहर में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है बुक रीडिंग अगर बुक रीडिंग में आप अच्छे हो तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल, बट मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है लेकिन हार्ड वर्क कर सकते हैं, बहुत ईजी है उनके लिए निकालना के मतलब हार्ड वर्क करना डिसिप्लिन होना चाहिए और आप कर ले जाओ, आपको मेनली जो करना है लास्ट पार्ट वो रहेगा, आपको कहते हैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, लास्ट 3 मंथ्स टोटली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहली बात आपकी जो मेन ईजी है 24 ईयर्स की बुक आती है 24 ईयर्स सॉल्व पेपर्स की पूरी की पूरी आप कम्प्लीट सॉल्व करनी है और जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़नी है, बुक को पूरा मार्क करते रहो पेन पेंसिल लेके पूरा मार्क करते रहो, ऐसा मतलब बाद में जब आप देखो एट लास्ट बुक को देखो आपको लगना चाहिए फील होना चाहिए कि हाँ आपने पढ़ी है उसको रट के ख़त्म कर सके, मतलब मेरे साथ पहले क्या डिफरेंस होता था यही होता था कि मैं एकदम नहीं कर देती और आपकी तभी नहीं देती मार्क ही कर रहा,
और उसके बाद एक पीजे यूनिट की बुक आती है, एम सी क्वेश्चन रहते हैं उसमें, बहुत अच्छी बुक है। सेकेंड रिफ्यूज उसको देखिए, तो दोनों अगर आप सॉल्व कर लेते हैं मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे लगेगा। हमारे व्यूअर्स को मोटिवेट करने के लिए सो इसी तरह हम अलविदा लेते हैं, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह हम आपके लिए वीडियोज लेते आते रहेंगे। सो थैंक्स।